नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के हिंसा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने कहा कि अब हालात काबू में हैं। रंधावा ने कहा कि इस मामले में अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 18 FIR दर्ज की गई। उन्होंने ये भी कहा कि CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई जारी है। प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, तो ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिनके छतों पर पत्थर देके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 FIR रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है, और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रीडेंट्स हैं, जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास CCTV फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा है, जो PCR कॉल्स भी आ रही है उसको भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है।